नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गावा थाना क्षेत्र निवासी लीलावती देवी ने अपने सौतेली माँ गीता देवी पर आरोप लगाई कि मेरी माँ गीता देवी के द्वारा जबरन मेरे पैतृक संपत्ति से बेदखल कर संपत्ति को बेचने का साजिश रची जा रही है एवं हम लोग दोनों बहनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बताया जाता है कि गावा थाना क्षेत्र के पेहरा निवासी लीलावती देवी पति शैलेंद्र कुमार उम्र 30 वर्ष एवं उसकी बहन रिंकी कुमारी पति राजकुमार यादव उम्र 25 वर्ष कोदरमा पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर गुहार लगाई कि डोमचार्ज थाना क्षेत्र के बगड़ो पंचायत में मेरा पैतृक संपत्ति खाता नंबर 91 मौजा बगड़ो प्लाट रकबा 26 एवं 50 पड़ता है। मेरे पिता का 3 शादी हुआ था जबकि पहली माँ से हम लोग दो बहन लीलावती देवी एवं बहन रिंकी कुमारी पैदा हुए। दूसरी माँ से कोई संतान पैदा नहीं हुआ। तीसरी माँ 5 संतान पैदा हुई। दो बहन की शादी कर पिता की मृत्यु हो गई। मेरी पिता की पैतृक संपत्ति का बंटवारा हम लोगों के बीच पूर्व मुखिया के द्वारा 5 मई 2020 में बंटवारा कर दिया गया था। हम लोगों के हिस्से जो जमीन जायदाद पड़ा था हम लोगों को दे दिया गया था। कुछ दिन गुजर बसर करने बाद मेरी सौतेली माँ गीता देवी के द्वारा जबरन मेरे जमीन जायदाद पर कब्जा कर मेरे द्वारा घर में लगाया गया ताला को तोड़कर मुखिया की मौजूदगी में मेरी माँ गीता देवी ने मेरा ताला तोड़कर मुखिया की मौजूदगी में अपना ताला लगा दी है। ऐसा दूसरा बार मेरी सौतेली माँ के द्वारा किया जा रहा है। ताला खोलने जब हम लोग जाते हैं तो मेरी माँ मारपीट करने के लिए उतारू हो जाती है। वहीं गांव का मुखिया का कहना है कि तुम लोगों को यहाँ रहने बसने नहीं देंगे, जिस पर हम लोगों ने कोदरमा पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई कि मेरी पैतृक संपत्ति हम लोगों को दिया जाए और जानमाल की रक्षा किया जाए। वहीं मुखिया जी बात करने पर फोन लगाया लेकिन बात नहीं हो पाया। मेरे पिताजी ने 3 शादी किया था और हम लोग पहली पत्नी से 2 बहन है और तीसरा पत्नी निवल्द है। दूसरा पत्नी निवल्द है, तीसरा में 5 पुत्री है। उस 5 पुत्री में 2 पुत्री को मेरे बाबूजी ने शादी कर लिया है और बाबूजी 2014 में डेट हुआ है तो 2015 में हम लोग को मुखिया के द्वारा पंचीती करके पंचनामा कागज बना करके हम लोग को कुछ जमीन और मेरे बाबूजी का बना हुआ 2 मकान है। एक मकान हम लोग को रहने के लिए मिला, 2 मेरी सतेली माँ को रहने के लिए मिला। और अभी इतना साल से जब हम लोग रह रहे थे उसके बीच में 15 तारीख को मुखिया जी क्या किया है, राजेंद्र मुखिया है मेरा बगड़ो पंचायत को, दबंग व्यक्ति है, उसको मेरे माँ को साथ आको और खड़ा होकर ताला तोड़वा दिया और डबल मेरी माँ से दूसरा ताला लगवा दिया। और जब मुखिया जी से पूछने को प्रयास किए तो मुखिया जी बोलता है कि यहाँ आप लोग को हक हिस्सा नहीं है, अब आप लोग जहाँ आप लोग का शादी हुआ वहाँ यहाँ से निकल जाइए, आप लोग को यहाँ कोई अधिकार नहीं है। फिर हम थाना में आवेदन दिए डोमचांच थाना में, थाना हमको सहयोग किया, साथ में प्रशासन किया और हमसे भी ताला लगवा को चल आया। प्रशासन ने बोला कि वहाँ का माहौल देखते हुए बोला कि अभी आप यहाँ नहीं रहना है, कुछ भी हो सकता है, अभी आप निकल जाइए। उसके साथ हम निकल आए और पंचीती का व्यवस्था में भी हम लगल थे, तब तक पता चला कि फिर मुखिया जी मेरी माँ के साथ जा को ताला तोड़वा दिया और फिर अपना ताला वो लगवा ली है और मेरा जो घर है उसको बिक्री करने का प्रयास हो रहा है, रेट भी फाइनल हो गया है। अभी पूरा बर्तन गैस चूल्हा सब हमको वहीं है, आ जाके हम लोग दोनों बहन रहते हैं। 3 ठो पेपर मेरे साथ है। अच्छा, 3 ठो। एक बार कोर्ट में भी लड़ाई झगड़ा का केस हुआ था, उस टाइम मेरी माँ कोर्ट में भी बयान दे दिया, जो प्रॉपर्टी भी हमको मिला है पंचायती के द्वारा वो जमीन और घर के बारे में माँ कोर्ट में भी गवाही दे को बोल दिए मजिस्ट्रेट के पास कि इतना उन लोग को हम दे दिए हैं। हमको कानून के द्वारा से कहीं गलती नहीं, जो भी हमको करा रहा है वो राजेंद्र मुखिया करा रहा है। इसी के चलते हम लोग तंग हैं और हम लोग को जीना हरम कर दिया है मुखिया जी, और मेरा चाचा लोग से भी नफरत हो करा दिया है। मेरी माँ को चाचा लोग भी साथ नहीं दे रहा है, उन लोग भी तंग हो गया। जिस टाइम मुखिया जी ताला तोड़वा रहा था उस टाइम मेरा छोटा जो चाचा है उस टाइम गारा गाली हाथाबाई भी हो गया कि इस तरह मेरा भतीजी को घर को ताला आप खड़ा होकर मत तोड़वाइए, और मेरा चाचा के सामने ताला टूट रहा होगा। और ये जो अभी मुखिया है ऐसा करता है कि मेरी माँ से जब जमीन बेचवाता है तब वंशावली में हम लोग को नामे निशान हटा देता है, सिर्फ मेरे बाबू जी को पहली पत्नी इसको गीता देवी को बना दिया जाता है और हम लोग को नाम निशान और 2 माँ को नामे निशान हटा देता है वहाँ वंशावली में, इस तरह दर्शा को और जमीन बेचवा देता है। हमको यही मांग है कानून के द्वारा कि सर जो हमको हक हिस्सा मिला था वो हमको रहना चाहिए,
हम लोग दो बहन हैं और तीनों माँ में लड़का तो किसी में नहीं है। और वो माँ है से सारा जमीन यहाँ का बेच को अपना दामाद को मालिक बना देती है। हम लोग को कुछ कहीं चर्चे नहीं करती है। उसका दामाद आता है जाता है, मुखिया से मिलता है और हम लोग को एनी टाइम बेदखल करने का बात बोलती है। तो हम लोग कैसे छोड़ दें सर? हम लोग भी जीना जीने का मायके में अधिकार है कि नहीं सर? किसी में जब लड़के नहीं है तो हम लोग को भी जीने का अधिकार है कि नहीं? कोडरमा प्रशासन से मैं ही मांग करना चाहते हैं कि जो हम लोग को हक हिस्सा है इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करे। हम लोग को जीने का हक अधिकार वहाँ मिले। दो बहन हम लोग आ जा को रहेंगे। हम लोग को नहीं अपना बाबू जी है, नहीं माँ है, नहीं हमको भाई है। हमको अपने दोनों बहन आ जा को रहते थे तो हम लोग को बहुत दिल में दर्द हो रहा है। मुखिया जी अवध भाषा बोल को हम लोग को वहाँ से अगर आ रही थे मेरे माँ को सहयोग कर रहा। मेरा चाचा लोग को इसमें कोई गलती नहीं, ये हम नहीं बोलेंगे मेरा चाचा लोग किसी को मदद करें, किसी को कोई गलती नहीं। अगर मुखिया भी वहाँ जाता है, प्रशासन भी जाता है, मेरा दोनों जो चाचा है साठ लेकर खड़ा हो जाता है। उन लोग को जरा सा अच्छा नहीं लग रहा कि मेरा भतीजी के साथ ही क्या क्या अन्याय हो रहा है। उन लोग साइड में खड़ा हो जाता है, कहीं एक बात उन लोग बोलने से निबड़ जाता है कि हम लोग क्या बोलें, किसको तरफ से बोलें, जो करा रहा है मुखिया करा रहा है।